सुनो, हमारी शादी को पूरा एक साल हो गया, पर मैंने आपको कभी हंसते हुए नहीं देखा। क्या आप मेरे लिए थोड़ा सा हंस सकते हो? बीवी हो, बीवी बनकर रहो। ज्यादा प्रेमिका बनने की जरूरत नहीं है। तुम लड़की पैदा करती रहो, मैं मारता रहूंगा। आखिर कसूर क्या है मेरा? कितनी बार बोलूं, मुझे लड़की नहीं लड़का चाहिए। सुनो, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर जब आप हमारी नवजात बच्चियों को मारते हैं तो हम आपसे नफरत भी बहुत करते हैं। सुनो, आपके जीवन में हमारा कोई महत्व है कि नहीं, या बस बच्चे पैदा करने के लिए ही? था मेरे जीवन में तेरा बहुत महत्व था। पर मैं क्या करता, इस जमाने ने इतना रूढ़ बना दिया था कि मैं इस प्यार से ही नफरत करता था। बचपन का एक हादसा मेरे पूरे जीवन पर भारी पड़ गया। मां के आंचल में सिर रखकर लेटना अच्छा लगता था, पर मैं क्या करता, उसके सीने में जो दर्द था उसका मेरे पास कोई इलाज न था। मैंने उसे छुप छुप कर रोते हुए देखा है। उस बेटी के लिए जिसकी वजह से सब खत्म हो गया, उस पति के लिए जो बीच सफर में छोड़कर चला गया, पर मैं बदलूंगा, मैं बदलूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए।
मंगलारी इनको खाना खिला दे, हमारे यहाँ से कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। मुझे नहीं मालूम तुम लोगों को यहाँ क्यों लाया गया है, पर मेरे कोठे से कोई भूखा नहीं जाता। लो खाना खा लो। कैसे खाएं? हाथ तो बंधे हुए हैं हमारे। खोल दूंगी। अगर हम भाग गए तो? यहाँ से भागना इतना आसान नहीं है, सिर्फ तुम्हारे हाथ खोल रही हूँ। दरवाजे पर कुंडी लगी है जो तुमसे पहले सिर्फ मैं बंद कर सकती हूँ। उम्मीद है तुम्हें सब कुछ ध्यान रहेगा। खाने में क्या है? दाल रोटी। तुम भी खा लो। मुझे भूख नहीं है। कई बार बिना भूख के भी खाना खाना पड़ता है। क्या किया तुमने? प्यार, बस यही गुनाह किया है हमने। जो तुम लोगों के साथ हुआ वो कुछ नया नहीं हो रहा। तुमसे पहले ना जाने कितने प्रेमी एक दूसरे के प्यार में मौत की घाट उतर गए। और अगर मैं तुम लोगों को खोल दूं तो तुम कहां जाओगे? हमें खुद नहीं पता बहन। ये कोठा है, यहाँ की औरतों को बहन नहीं कहते। बहन शब्द गाली जैसा लगता है। लेकिन क्यों? ये दुनिया ही ऐसी है, यहाँ जितने लोग आते हैं वो यहाँ की औरतों में बहन नहीं देखते, और जिस दिन बहन देखना शुरू कर दिया उस दिन धंधा ही खत्म। और हम जैसी औरतें ये कभी नहीं चाहेंगी कि यहाँ पे लोगों का आना जाना खत्म हो जाए। ये सब ऐसा धंधा करते क्यों हैं, जिसमें मान सम्मान ना हो? जब इस धंधे में कदम रखा जाता है तो शौक से नहीं मजबूरियों से रखा जाता है, और जो एक बार यहाँ पर आ गया वो यहीं का होकर रह जाता है। फिर इस दलदल से निकलना ना के बराबर है। जाओ, तुम आजाद हो। अब जाओ। अब क्या? यूं अचानक से हम पर दया करने की वजह? मन भर गया अपराध करते करते। अपराधी हूं मैं, और मेरे अपराधों की सजा आज मैंने अपनी पत्नी और मां को खोकर पाया है। आज उनकी आत्माएं कह रही है कि शायद बहुत हुआ, अब प्रायश्चित करने का समय है। बस जाओ, कर लो शादी। हम दोनों आपको दीदी बुलाना चाहते हैं। अब ये मत कहना इस शब्द का यहाँ कोई महत्व नहीं है। हम बोल सकते हैं ना आपको दीदी? लगता है हमने आपको दीदी बुलाकर गलती कर दी। प्लीज माफ कर दीजिएगा। नहीं, तुमने दीदी बोलकर कोई गलती नहीं की। इतना अच्छा भाग्य कैसे हो सकता है मेरा? मैं तो बस थोड़ा भावुक हो गई थी। तुम्हें शादी करनी है ना? मैं कराऊंगी तुम्हारी शादी। रामा, 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 रामा,
आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, अगर आज मांगू तो क्या तुम मुझे दोगे? वो किसी को क्या कुछ देगा दुलारी, तो खुद ही लूट चुका हो। हो अपना बना के कोए छोड़ना न्यू ठीक नहीं, कोई छोड़ना न्यू ठीक नहीं, अपना बना के कोई छोड़ना न्यू ठीक नहीं। करेगा ना प्यार कोई एतबार उठ जावेगा, सुनो प्यारे परदेसी जब तू चला जावेगा, तेरी कसम यार मने याद घणावेगा, याद इसकी कोई जरूरत नहीं है, बात करने आए हैं। बहुत नुकसान कर चुके एक दूसरे का, क्यों ना हम फिर से साथ आ जाएं दोनों। मुझे लगता है जिंदगी ठहर सी गई है एक पॉइंट पर आकर, पता नहीं क्यों हमें एक दूसरे को नीचा दिखाने में खुशी मिलती है। मेरी बेटी एक आवारा लड़के के साथ भाग जाती है, ये देखकर तुम्हें खुशी मिलती है, उसे तुम अपने घर में सह देते हो। मेरी गर्दन दुनिया के सामने झुकी हुई देखकर तुम्हें खुशी मिलती है। तुम्हारे ही एक प्यादे ने तुम्हारे सीने में गोली मार दी, ये देखकर मुझे खुशी मिलती है। जो बात कहनी है सीधी सीधी कहो सूरजभान, यूं किसी बात को कहने में भूमिका मत बनाओ। हम दोनों एक दूसरे की रग रग से वाकिफ हैं। मैं चाहता हूं बल्लू, तुम मेरे राजनीतिक क्षेत्र में रोड़ा ना बनो। कल की घटना ने मेरी राजनीतिक विरासत को बहुत आघात पहुंचाया है। तुम राजनीति में पकड़ चाहते हो केवल धंधे के लिए। सही कहा सूरजभान, ये सब हम धंधे के लिए ही तो कर रहे हैं। हम दोनों की फूट में कोई तीसरा पैदा हो गया तो धंधा ना तुम्हारा ना हमारा, इसलिए बैठकर फैसला कर लेते हैं। तो ठीक है, हुआ फैसला, राजनीति तुम्हारी और धंधा हमारा। नहीं बल्लू, राजनीति हमारी और धंधा 50-50। जिस एरिया में हम काम करेंगे वहां तुम नहीं करोगे, और जिस एरिया में तुम काम करोगे हम नहीं करेंगे। सूरज, ऐसा ही फैसला एक बार बरसों पहले भी हुआ था, तुम बाद में थूक कर तो नहीं चाटोगे? बल्लू, मैं आज भी वही बात कहता हूं। जो तुम्हारी फैक्ट्री में रेड पड़ी थी उसमें मेरा कोई रोल नहीं था। फैक्ट्री तो तुम्हारी भी थी, उस पर रेड नहीं पड़ी। बस नहीं पड़ी यार, अब मैं क्या बताऊं? एक बार धोखा खाकर फिर से विश्वास कर रहा हूं, अब की बार विश्वासघात बर्दाश्त नहीं होगा। आह।
हम एक बार फिर से दोस्त बन जाते हैं। आज से तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन। बोलो क्या करना है? फिलहाल तन्नू की घर वापसी और उस लड़के की मौत। हेलो ठेकेदार, तेरा भाई रोकी। रामा क्या किया तूने रोकी का? किया नहीं है ठेकेदार, अब करने वाला हूं। मर्डर रोकी का। देख रामा, तू रोकी को कुछ नहीं करेगा। तुझे जो कुछ चाहिए वो मैं दूंगा। देख रामा, रामा तू रोकी को कुछ नहीं करेगा। हेलो रामा, रामा हेलो। दी, कहीं आप हमारी वजह से किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं। वादा किया है निभाऊं तो गी, दुलारी मुसीबतों की चिंता नहीं करती। दी ये फट्टू है, डरता बहुत है। पता नहीं मेरा दिल इस फट्टू पे कैसे आ गया। फट्टू नहीं हो यार, हाँ बस थोड़ा सेंसिटिव जरूर हूँ। तनु, डॉटर ऑफ सूरजभान, क्या आप बालिक हैं? यस सर, मैं तनु, डॉटर ऑफ सूरजभान, और मैं बालिक हूँ। और मैं अपने पूरे होश और आवास में रोहन से शादी करना चाहती हूँ, और मुझ पर किसी भी प्रकार का कोई जोर या जबरदस्ती नहीं है। रोहन, सन ऑफ अजीत, क्या आप बालिक हैं? जी मैं रोहन, सन ऑफ अजीत, बालिक हूँ, और अपने पूरे होश और आवास में तनु से शादी करना चाहता हूँ, और इसके लिए मुझ पर कोई भी जोर जबरदस्ती या दबाव नहीं है। विटनेस? जी मैं हूँ। यहाँ पर साइन कर दीजिए। दूसरा विटनेस? जी वो तो नहीं है। दूसरा विटनेस मैं हूँ। तुम? आज तक जितने भी केस फाइल हुए हैं सब मैं बरी हूँ, ये मेरी आईडी है। यहाँ साइन कीजिए। आज से आप दोनों पति पत्नी हो गए। तू जानती है तू कमजोरी है मेरी, इसी बात का फायदा उठा रही है ना? मैं तुम्हें फिर से वहीं से उठा लाऊंगा, तू जानती है मुझे। बहनचोद साली हरामजादी। एक लौंडिया के चक्कर में सारा सिस्टम बिगाड़ रखा है तूने। अरे तू नहीं जानता, तू बॉस नहीं है मेरा। रॉकी। जी भाई साहब। जब तक रामा को ठिकाने न लगा दूं, तू घर से बाहर नहीं निकलेगा। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, अब उसके डर से हम बाहर आना जाना भी छोड़ देंगे क्या? उससे डरते हैं क्या हम? क्या कम है उससे? लेकिन आपने तो कभी हमें उसके बराबर आंका ही नहीं, हमेशा उसी को मौका दिया। देखो देखो नतीजा, आज साला सर चढ़कर मूत रहा है। अरे मूत लिया जितना मूतना था हराम खोर, साले को सामने आने दे, बस उसको हगाऊंगा। बस तू दो चार दिन के लिए घर से बाहर मत निकलना, समझे? ठीक है भाई साहब।
बाद ये पल नसीब हुआ है। काश आज की ये रात कभी खत्म ना हो। मैडम, अगर तेरी ये बातें खत्म हो गई हैं, तो शुरू करें। वैसे भी रात तो लंबी होने वाली नहीं। हाँ, पर थोड़ी देर में सुबह जरूर हो जाएगी। लग रहा है? अच्छा लग रहा है, एक कोठे पर सुहागरात मनाकर। मैंने कभी सोचा नहीं था सच में मेरी सुहागरात एक कोठे पर बनेगी। सोचा तो मैंने भी नहीं था, पर क्या करें, समय काट ले। वैसे ये कोठे होते ही सुहागरात के लिए हैं, है ना? चल, बहुत बकवास हो गई, सो जाते हैं। लगता है सुबह हो गई है। मंदिर में शंख और घंटियां बजने लगी हैं, लोग उठ चुके हैं, हम सो जाते हैं। ठीक है। ए, मजा आया ना? फोन लगा उसे और बुला उसे यहां। हेलो, मिलना चाहती हूं, गलती हो गई मुझसे। यही हूं आपके घर के पीछे, जल्दी आओ। सुन, निकल। तू मार गोली, मार गोली। तेरे हाथ में पिस्तौल है ना, तो मार गोली। हिम्मत है तो, मैंने तुझे जिंदगी भर पसंद नहीं किया, तो मार गोली। तेरी मौत इतनी आसानी से नहीं होगी। Ah!
बहुत उबाल है ना तेरे खून में, बहुत उबाल है ना तेरे खून में। कोई नई बात करनी है तो बोल, या वही पुरानी बात बोलनी है कि मैं तेरे भाई का मर्डर कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। सुन, तू रॉकी का बाल नहीं उखाड़ सकता, अगर हिम्मत है तो उखाड़ के दिखा। साले, दो दिन में तेरा एंड नहीं किया तो मेरा नाम भी बिल्लू ठेकेदार नहीं। तेरे घर के पिछवाड़े एक लाश पड़ी है, जाकर देख कहीं वो रोकी की तो नहीं। ओ भेंचोदो, अभी पिछवाड़े में जाकर देखो। ए छोटे, अरे खड़ा हो ना ए छोटे, छोटे खड़ा हो ना बेटा, खड़ा हो ना, अरे देखना, अरे देखना। संभालो बिलू भाई। ए छोटे, अरे खड़ा हो ना, अरे बोल ना भाई साहब। ठेकेदार मिल लिया भाई से। राम खोर, कहाँ है तू, एक बार बता दे राम खोर। पिछवाड़े में, साला बोल रहा है घर के पिछवाड़े में, लेके आओ हरामखोर को। यहाँ कोई नहीं है। मिला कहीं वो? कहीं नहीं मिला बिल्लू भाई, भाई कहीं नहीं मिला। लाश चाहिए उसकी, जहां कहीं भी मिलेगा साले को छोड़ूंगा नहीं, काट के रख दूंगा हराम खोर को।
जो हो गया सो हो गया, अब भूल जाओ बल्लू। कैसे भूल जाऊं, भाई मरा है मेरा। समय सब जख्म भर देता है बल्लू। हेलो, आपकी बेटी ने शादी कर ली है, आशीर्वाद नहीं दोगे? जरूर देंगे, पर तू है कहाँ? बहुत दूर हूँ डैड, हरियाणा छोड़कर यूपी में हूँ। तू घर आ जा, मिलना चाहता हूँ तुझसे। अब जब शादी कर ही लिए, जैसा है जो भी है, तेरी पसंद मेरी पसंद, दामाद को भी ले आ। आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन बाद। आपके नाती को भी साथ लाएंगे। बाय डैड। तनु, तनु, शिवा। जी पापा। नंबर कहाँ का है? 9812-5346। ये तो लोकल नंबर है पापा। पता कर किसका है। जी पापा। तनु, किससे बात कर रही थी? डैड से बात कर रही थी। और फोन किसका है? दुलारी दी का। कहीं तूने कोई गलती तो नहीं कर दी मिला के? रोहन, इसलिए तो यूपी में बताया है। फिर भी यार, मिलाना जरूरी था। अब शादी की है तो सोचो बता दूं। चल कोई नहीं, देखते क्या होता है। दी, जो आपने हमारे लिए किया है वो हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। जब तुमने मुझे अपनी दीदी कह ही दिया तो इतना तो मेरा फर्ज बनता है ना, और वहां पहुंचकर मुझे फोन जरूर करना। वहां तुम्हें बानू मिलेगी, तुम्हारे रुकने और खाने पीने की व्यवस्था उसने कर रखी है। हाँ जरूर दी। लव यू दी। रुको, बाहर बहुत खतरा है, बस स्टैंड तक मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। कौन कहता है आप गुंडे हो? चलो। संभल के जाना। बाय। चलो जाओ, अपना ध्यान रखना। ए, कौन हो रहे तुम? कहां से आए हो? दुलारी कहां है? बुला उसे। क्या करेगा तो दुलारी का? ज्यादा टहटे की ना, शरीर का छलनी बना देंगे। अच्छा ए बड़वे, तू छलनी बना देगा रे?
ए चुप मुए। लगता है फुड़वा के मानेगी। अच्छा तू फोड़ेगा? हाँ मैं फोड़ूंगा। ले विजयलक्ष्मी। छोड़ो पीछे हटो, छोड़ो पीछे हटो। अरे अरे तुमने क्या, अरे तुम्हारा नाश जाएगा रे, कीड़े पड़े मेरे में, कीड़े पड़े। चल युवा चलो आगे, चल चल युवा चलो आगे, चल मारा रे कुत्तो रे कमीनो रे। की तरह मरोगे रे, कीड़े पड़ेंगे रे तुम्हें, मेरी हाय है तुम्हें रे, मेरी हाय है रे तुम्हें, मेरी हाय है। रामा वो मेरी दुलारी को ले गए रे, वो मुए मेरी दुलारी को ले गए रे, वो ले गए रे, वो ले गए रे। ये ले रामा भाई। एकदम टॉप, पूरी मार करेगा। बॉम्ब भी असली हैं, पूरे शहर को उड़ा देना। पर एक बात समझ नहीं आई, करोगे क्या इतने असली का? सुन, समझने की जरूरत भी नहीं है आर्या। ये भी सही है, जब पैसा ठोक कर मिले तो अपने को क्या समझना और क्या समझाना है रामा। चाहे पूरे शहर को उड़ा दो। पता बता, जान लेनी है तो ले, पता तो मैं बताने से रही। पता बता, मार और मार, दुलारी बाई पता नहीं बताएगी। पता तो तुझे बताना होगा हराम की जदी। दुलारी बाई मजबूर मत कर, पता बता। चौधरी साहब उन्होंने क्या बिगाड़ रखा है, किसी का प्यार ही तो किया है। नसीहत छोड़, पता बता। नहीं पता, वैसे भी घर से भागकर शादी करने वाले किसी को पता नहीं बताते। जब आपको नहीं बताया तो मुझे क्या बताएंगे। ये ऐसे नहीं बोलेगी सूरज भान, इसका शरीर मोर मांग रहा है। जब तक इसकी सर्विस नहीं होगी ये पता नहीं बताएगी। पता बता उनका। नहीं पता। रुको आप लोग, पीछे हटो। जरा हम भी ट्राई कर लेते हैं, शायद हमें कुछ बता दे। रोम चौधरी बता, 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 बता। नहीं बताऊंगी। हेलो सूरज भान, जब गिद्दड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। दुलारी को उठाकर तूने वैसा ही किया है। तूने दुलारी को उठाया है, यानी कि अपनी मौत को बुलाया है। साले हमारी मौत का तो पता नहीं, पर इस समय मजा बहुत आ रहा है तेरी दुलारी की पिटाई करके। और हाँ, अभी तो तेरी दुलारी की कोमल सी त्वचा की
रंगाई चल रही है और थोड़ी देर में तो पूरा ही रंग देंगे। अगर तू चाहता है ना हम इसे कुछ ना करें तो जितनी जल्दी हो सके तन्नु और उस लड़के को लेके मेरे पास आ जा। तोते की जान पिंजरे में है, तुमने दुलारी के साथ तो कुछ भी नहीं किया होगा। मैं जो तुम्हारे साथ करने वाला हूँ तुमने सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारी बीवी को उठाने जा रहा हूँ, रोक सको तो रोक लो। तोते की जान पिंजरे में। शिवा तुम इसे संभालो, उसे मैं देखता हूँ। साला मेरी बीवी पर हाथ डालेगा। ढूंढो उसे, वो यही कहीं पे है। जहां कहीं भी मिले हराम खोर के टुकड़े टुकड़े कर दो। जाओ जाओ। और तेरा तो वो हाल करेंगे ना कि रूह कांप जाएगी। मुझे पता है ठेकेदार साहब, वो साला बार किस तरह लिगड़ेगा। गाड़ियां तो फूंक दी, आप बाइक स्टार्ट करो। समझ गया, जब गाय हमारे पास है तो बछड़ा कहां जाएगा। चलो छोड़ो मुझे, छोड़ो। रामा को पता चल गया तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ो, 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 छ
छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, चलो चलो। क्या हुआ? अरे इसको यहीं छोड़ो, ये तो ऐसी की तैसी। साले ने मेरे भाई को कत्ल किया है, आने दे उसे, साले के टुकड़े टुकड़े करके छोड़ूंगा। अरे जा जा, रामा आएगा और जरूर आएगा। जो तुम इतना बोल रहे हो ना, उसके सामने तुम्हारी जुबान तक नहीं चलेगी। अरे यही तो हम चाहते हैं, वो साला यहाँ आए, इसीलिए तो तेरे को यहाँ लेके आए हैं। उस साले से तो मेरा बहुत पुराना हिसाब है और तेरे सामने ही उस साले को यही ठोकूंगा। तो ठोक क्यों नहीं देते? अब हिल के देख साले। अगर तुझे लगता है कि मैं तुम्हारा सहारा बन सकता हूं तो मैं तैयार हूं। मेरे जीवन की हर सच्चाई से वाकिफ हो तुम। जब तक हूं तब तक साथ दूंगा। मुझे यकीन था एक दिन मेरे जीवन के रेगिस्तान में बारिश जरूर होगी। Rama! 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 Rama!
रामा। अपना बड़ा के कोई छोड़ना न्यू ठीक नहीं, हो अपना बड़ा के कोई छोड़ना न्यू ठीक नहीं, करेगा ना प्यार कोई बार उठ जावेगा। सुनो प्यारे परदेसी, जब तू चला जावेगा तेरी कसम यारे।